इस्लाम को। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप महंगाई के हवाले से बताएं, वाजिबी के हवाले से बताएं, दोनों में कौन है? अच्छा आपने तो यकीन को बोल दिया। अच्छा नवाज शरीफ तो नाहिल हो चुके हैं, फिर हम सब कैसे हैं उनको क्या सकते हैं? अल्लाह बेहतर करे मुल्क और कौम के लिए। हम समझते हैं कि मुल्क और कौम के लिए नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए। नहीं कौन से अच्छे काम किए? सिर्फ उन्हें अपने घर बना लिए, ये उसकी अपनी बिजनेस है, बिजनेस से बनाए हैं उसने, मुल्क और कौम से टीम के लिए बनाया। कौन से बिजनेस है? आबो अजदाद बिजनेस कर रहे हैं। आबो अजदाद उनके लोहार से? लोहार से तो लोहार बिजनेस मैन नहीं होता, जो कार कार फैक्ट्री की होती है छोटा है वो भी फिर लोहार है। सर आपको कितना टाइम हो गया? तो 7 इयर्स हो गए। तो आपने क्या कमा लिया, आपने कितनी जायदादें खरीदी? अल्लाह ताला का शुक्र है। आपकी बाहर कितनी जायदादें? मैंने बच्चे पढ़ा दिए हैं खुद, अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छी जिंदगी गुजारा हूँ जब से इमरान खान आया और वर्ल्ड हो गए। सर वो तो इमरान खान को आप साइड पे रखें, इस वक्त ये बताएं कि नवाज शरीफ, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत जबरदस्त है, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, तो आप ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाहिल किया, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप ये भी देखें ना, वो जज साहब ने जो डिसीजन दिया है उनके खिलाफ उस करप्शन का केस है, खुद उनके खिलाफ करप्शन ही हो गई ना ये करप्शन। इट मीन्स कैश की करप्शन नहीं होती, कोई भी करप्शन आउट ऑफ वे कोई बंदा जाता है वो करप्शन में काउंट होती है। अगर आप ये भी बता दें जिस तरह उस जज के साथ जिस तरह बार्गेनिंग कर रहे थे नवाज शरीफ, उनको अपने घर बुलाया, फिर मक्का मदीना में भी लोग मक्का मदीना जो है सवाब के लिए जाते हैं, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए जाते हैं, अगर शरीफ खाना तो वहाँ पे अपने कैसे करते हैं? तो वो क्यों गया जज? क्वालिटी जज की है ना, अगर आप सीट क्वालिटी है नवाज शरीफ तो का सीट तो नहीं सोच। नहीं नवाज शरीफ माफिया तो है, माफिया नवाज शरीफ माफिया हो गया। जाहिर सी बात है, क्या बात है, क्या बात है, नवाज शरीफ माफिया हो गया। इमरान खान जो माफिया माफिया कर रहा है वो इमरान, वो ये नवाज शरीफ माफिया, इमरान खान भी कह रहे हैं कि यही माफिया। अच्छा तो उसे पहले नहीं पता था? वो पहले पता था। तो आपके उसने क्या किया 2 ईयर में? वो यही कह रहा है कि मैं माफिया के खिलाफ, वो कर नहीं सकता कुछ, वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है, वो बिजनेसमैन आ सकता, स्पोर्ट्समैन जो है उसकी नेचर में ये चीज है, उसने बचपन से ये स्पोर्ट्स की है, वो नहीं बन सकता सियासतदान कह लें या ब्यूरोक्रेट कह लें, एडमिन चलाने वो नहीं चला सकता। वो एक बिजनेसमैन जब आ जाएगा मुल्क की रखवाली करेगा तो वो तो मुल्क को एक बिजनेस के तौर पे चलाएगा। बिजनेसमैन होता है ना एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो बिजनेस से चलाता है, पैसे से नहीं चलाता। अगर आप कोई एक मिसाल दे दें जो नवाज शरीफ ने अपने दौर में अवाम के लिए काम किया है, आप क्या समझते हैं कौन सा काम नहीं किया? आप अस्पताल को एक अस्पताल बता दें जो मैंने मिसाल दिया, 10 हॉस्पिटल है जिसके नाम नवाज शरीफ लगता है। सर नवाज शरीफ तो लगता है, मगर नवाज शरीफ ने बनाया ना, फिर पता उसने बनाया ना, खुद भाग गए सड़क सड़क के लिए, बाहर वाली के लिए आप एफर्ट करेंगे आपका नाम आ जाएगा, जो भाई उसने सड़क बनवाई है, पैसे जरूरी नहीं, पैसे देने एफर्ट करना काम होता है। सड़क जरूरी है या सेहत? दोनों जरूरी है, सड़क दोनों में से। पता क्या बात है, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ना तो एक सब्जेक्ट होता था बकायदा के वसाइल, वसाइल में सड़क और वसाइल जो है ना ये डेवलपमेंट के लिए मस्ट है। आप ये ना कहें सेहत, सेहत भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है। आपकी चॉइस मरियम नवाजी या शहबाज शरीफ? हमारी चॉइस वो है जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर करता है, जो सेंसेबल है, ठीक है। तो आपकी नजर में कौन है? इमरान खान को माइनस, वो होना ही माइनस है, उसने होना ही माइनस है। आपने कर दिया ना ये हो जाएगा माइनस। शरीफ खानदान में से यार शरीफ साहब से तो हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है। चले मौलाना फजल रहमान को, मौलाना फजल रहमान को भी छोड़े, मुल्क और कौम के लिए यार वली को ले आए, कैसे ले आए भाई? देखे ना उसने मुल्क और कौम के लिए काम किया, अपने लिए उसके नजर आपको नजर आता है, मुल्क और कौम के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं उसने क्या काम किया? इंग्लैंड में जो जायदादें हो गई उसकी वो आपने बता दी है, तो काम जो उसने काम किया वो मुझसे पूछ रहे हैं आप? वो काम आप मेरी नजर में उनका कोई काम नहीं है ना, मेट्रो उसने बना ली, ऑरेंज बना ली, वो हमारी मेरी जरूरत तो नहीं है। मेरी जरूरत है तालीम, सेहत, आपकी जरूरत तालीम सेहत। नवाज शरीफ आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दे। सर देखें तालीम के हवाले से हर बच्चा है जिसकी तालीम जो है जरूरत है, आप देखें कि गरीब का बच्चा है कोई एक सरकारी
स्कूल में पढ़ता है, एक अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में। ये बातें हो सकती है, इसमें हकीकत नहीं हो सकती। सर गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर ही रहेगा, ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है। नहीं हो ही नहीं सकता ना तब्दीली, ये हो ही नहीं सकता सर। जहाँ पे जब से दुनिया बनी है ना यही हो रहा है। आप कौन हो सकते हैं बदलिए तब्दील इमरान खान ने बदल लिया ये तब्दील। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के लिए, जब उनको अपनी बेटी के लिए यहाँ पे लाहौर की जो कॉलेज है उसमें उनको एडमिशन नहीं, अभी उस वक्त ना आप घर बैठे हुए थे बच्चे थे जब बात कर रहे हैं ना, आप फीडर पीते थे, आपने बातें सुनी हुई है, आपने हकीकत क्या है आपको पता है। मैं यही मैं कह रहा हूँ ना, आपने वो पॉइंट पकड़े, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अच्छा काम तो कोई नहीं किया यार, हजारों लाखों काम है, लाखों काम है, दस गुनवा दे, मोटरवे कोई काम नहीं की, एटम बम बनाना कोई काम नहीं, चलो मैं अभी एक अगर बुनियाद रख देता हूँ तो मैं वो बना दूंगा यार, आगे काम करना काम है। सर उसमें फौज का बहुत बड़ा रोल, फौज का हमेशा रोल रहा है पाकिस्तान वो तो में, हर काम में पाकिस्तान में फौज में रोल रहा है। कदीर खान इसके थे, और किसी एक कदीर ने तो बनाना था ना, किसी जुवेद ने बनाना था, किसी इमरान ने बनाना था, किसी इशफाक ने बनाना था, फजल रहमान ने बनाया, वो भी कहता है वो कहता है सीपैक उनका काम है, सीपैक सिर्फ अपने माइंड से ना चलें। आपको चाहिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात हो वो आप कहेंगे एक्सेप्टेड हो गई। आपने मरियम नवाज की वो जब 18 साल की थी उसका रिकॉर्ड निकाल लिया आपने कि इमरान खान ने नवाज शरीफ ने ऐसे किया, शुवैद ने ऐसे किया, उसके को काम नहीं गिने आप। आप गिलास में देखते हैं पानी कितना कम हुआ है, नेगेटिव सोच है उसकी, पॉजिटिव सोच देखते हैं तो तीन मरतबा वो वज़ीर आज़म बना ना, खिलाफ बातें नहीं हो रही, कोई भी बातें हो रही है, गालियाँ इमरान खान ने कब दी, कब दी गालियाँ, जिसको मर्जी मतलब निकालें, एक बात के 10 मतलब निकलते हैं, 100 मतलब निकलते हैं, कितना मर्जी मतलब निकाल लें। आज हम आप सब जो है जी जी जो सुकून की नींद सोते हैं, हाँ जी, वो अफवाज पाकिस्तान, वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, वाजे पाकिस्तान का कोई बात ही नहीं। उसके खिलाफ तो सारे ना हमारे नवाज ने नारे क्यों लगवाए, किसके क्या नारे लगवाए, उसके खिलाफ क्यों, वर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी है उसके पीछे। मैं आपको बताता हूँ, आपको उठा के ना कोई मोहल्ले का बंदा या कोई भी बंदा आपको नौकरी का आपको फारिग कर दे ना, आपका काम ना हो, आप किसको गालियाँ देंगे सर? देखें मुझे बताएं किसको गालियाँ देंगे आप? इसका मतलब ये यार ये मैं तो मान गया, मैं समझ गया जो आपके कहने से, इसका ये मतलब है कि फौज ने उनको निकाल दिया, आप उनके खिलाफ गाल रहे हैं। मैं अभी आप कह रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब जो दुखी होता है ना, जिस वजह से दुखी होता है उसको पता होता है मुझे क्या 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 प्रॉब्लम है, मुझे किसने प्रॉब्लम दी है यार। मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं साथी, आप भी काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी काम कर रहा है, फौज भी काम कर रही है, छोटा बच्चा भी काम कर रहा है, बड़ा बच्चा भी काम कर रहा है। अब आपने नवाज शरीफ के खिलाफ होना है, अब आप उसके आपने कीड़े निकालने, अब आपने उसके नेगेटिव बातें करनी है, एक बात के 100 मतलब निकलते हैं, आपने अपने मकसद अपना मतलब निकालना है उसका, अब वो बुरा हो गया। आप नवाज शरीफ को कहें पाकिस्तान आएगा तो आएगा, पाकिस्तान आएगा जब कहेगा आएगा, मेरे कहने पे आना है, आपके कहने पे आना है, आपके कहने यार मैं उसका सपोर्टर हूँ, मैं इसलिए उसका सपोर्टर हूँ, उसने मुल्क और कौम के लिए काम किए।